मैं डॉक्टर एस के त्यागी, तिलक नगर वेस्ट दिल्ली एरिया के त्यागी नर्सिंग होम प्राइवेट लिमिटेड से ईईसीपी डिपार्टमेंट के रूम से ये वार्तालाप कर रहे हैं और पब्लिक बेनिफिट के लिए हम ईईसीपी के बारे में कुछ साइंटिफिक नॉलेज पेशेंट्स को देना चाहते हैं ताकि उनके लिए फ़ायदेमंद हो फ्यूचर लाइफ उनके लिए। और ये हमारा ईईसीपी रूम है और मेन पर्पस ईईसीपी थेरेपी का मतलब है एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन प्रोसेस फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जो हार्ट की नसों में ब्लॉकेज होता है उसको बिना वायर, बिना बेलूनिंग, बिना स्टेंटिंग या बिना चीरफाड़ और बाईपास सर्जरी के हम ये प्रोसीजर से उसको ओपन करते हैं। ये हमारी ईईसीपी टीम है और ईईसीपी मॉनिटर है, पेशेंट है, ये ईईसीपी मशीन है। तो ये ईईसीपी हम करते हुए दिखा रहे हैं किस तरह से होता है। इसमें इन पेशेंट का मिस्टर महावीर जी हैं, उनका ईईसीपी चल रहा है, इनको कोई पेन नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं दिया जा रहा, कोई ग्लूकोज नहीं दिया जा रहा, कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई चीरफाड़ नहीं है। महावीर जी, आप कैसे महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मुझे खुशी है कि आज मेरा जो ईसीपी आप कर रहे हैं। महावीर जी, आपको ईसीपी कराकर कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरा जो बाईपास के लिए एडवाइस किया था उसकी बजाय ईसीपी मेरे को बहुत ही बेहतर लगी। आपको बाईपास कहाँ से एडवाइस किया गया? मुझे बाईपास आर्मी हॉस्पिटल से किया गया था। महावीर जी, आपको वहाँ क्या प्रॉब्लम बताई गई थी आर्मी हॉस्पिटल में? तीनों नसें ब्लॉक थी। तो क्या उपचार उन्होंने बताया, क्या करना चाहिए आपको? उन्होंने ये बताया था कि इसमें बाईपास बाईपास होगी है, करा लेना। तो आपने क्यों बाईपास चूज नहीं किया, क्यों नहीं कराया आपने? मैंने बाईपास सर्जरी से अच्छा ये ईसीपी मेरे को किसी ने बताया था कि ऑपरेशन का डर भी रहा होगा मन में? ऑपरेशन का तो डर रहता ही है, ऑपरेशन से बचने के लिए मैंने और अच्छा इसको। आपकी एंजियोग्राफी हुई थी जो तीनों नसें ब्लॉक बताई थी? मेरी एंजियोग्राफी हुई थी, एंजियोग्राफी में दर्शाया गया है कि तीन नसें ब्लॉक। तो स्टेंट वगैरह से भी काम नहीं चल रहा था? हाँ, स्टेंट से भी काम नहीं चल रहा था, स्टैंड कामयाब नहीं होंगे क्योंकि तीनों नसें ब्लॉक थी, इसलिए उन्होंने बोला स्टैंड कामयाब नहीं होगा, इसलिए ऑपरेशन की सलाह दी। ईसी पे से आपको कितना फायदा है इस इलाज से? काफी रिलैक्स मिल रहा है मुझे, तो पहले से काफी महसूस हो रहा है कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप खुश हैं इससे? मैं इससे बहुत खुश हूं। हमारे सेंटर में किसी तरह की कोई तकलीफ या कोई प्रॉब्लम? मुझे अच्छा लग रहा है। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, मैं डॉक्टर साहब का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे आने वाले समय में लोगों को जो है जैसे मेरा इलाज चल रहा है वैसे ही और अच्छा।